अगला है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोसेसर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर लगा होता है। अगर वो प्रोसेसर कई सारे हों, या कुछ देर के लिए इसको आप ऐसे समझिए कि ये जॉब वन है, जे वन है, ये जे टू है और ये जे थ्री। इन सारे कार्यों को करने के लिए एक प्रोसेसर है पी, और इसे पूरा जे वन जे टू जे थ्री डॉट 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 जे 1150, ये मान लीजिए 150 जॉब हैं। एक जॉब मतलब कार्य हैं, 150 कार्य हैं। तो 150 जॉब समझ लीजिए, कार्य समझ लीजिए, या समझ लीजिए इतने प्रकार के सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चल रहे हैं। तो ये सभी चलाए जा रहे हैं किसके द्वारा? एक प्रोसेसर के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, मैं प्रोसेसर बोल रहा हूँ, प्रोसेसर के द्वारा। तो कहीं ना कहीं पी को इसको भी वर्क देना है, सॉरी, इनको भी रिसोर्स मुहैया कराने हैं, पी को इनको भी रिसोर्स मुहैया कराने हैं, इसको भी रिसोर्स, इनको भी रिसोर्स। रिसोर्स कैसे? जैसे मेमोरी, में हार्ड डिस्क या मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, टाइम स्टैम्प, अदर सारी चीज़ें। तो सभी को अगर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं एक समय आएगा कि कोई ना कोई जॉब या कोई ना कोई कार्य स्लो पड़ जाएगा। तो ऐसे में क्या है, या तो जॉब की संख्या को कम किए जाए, तब हमारे कार्य कम होंगे। अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम कई सारे प्रोसेसर का यूज करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि कुछ प्रोसेसरों का, कुछ जो दूसरे प्रोसेसर हैं वो अन्य कार्यों को संभाल लेंगे। ऐसे में क्या है, सारे कि सारे जॉब अच्छे से वर्क करते रहेंगे, क्योंकि उनको उनके रिसोर्स मिलते हैं, मिल रहे होंगे, और प्रोसेसर क्या है, उन कार्यों को अच्छे से करवा भी रहे होंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा सिस्टम हैंग होने से बच जाता है। आपने सुना होगा डुअल कोर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो डुअल मतलब डबल, डबल प्रोसेसर, ऑक्टा मतलब 8 भाग होते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग प्रोसेसर लगे होते हैं। तो आप चलते हैं परिभाषा की ओर। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम उन जगहों पर उपयोग किए जाते हैं जहां पर एक से अधिक प्रोसेसर सिस्टम लगे हों। प्रोसेसर सिस्टम वही कि बहुत सारे प्रोसेसर लगे हों, PRO1, PRO2, PRO3, डॉट डॉट एंड सो ऑन लगे होते हैं। एक से अधिक प्रोसेसर इस्तेमाल करने की तकनीक को पैरलल प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। मतलब मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम पैरलल ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट है एम्बेडेड। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि किसी इलेक्ट्रॉनिक्स या अन्य प्रकार के हार्डवेयर डिवाइस में ही उपस्थित रहते हैं, ये रूम में ही उपस्थित रहते हैं। इनका उपयोग घरेलू उपयोग वाले उपकरण जैसे माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, कार मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम इत्यादि में किया जाता है। मतलब इनका, एम्बेडेड का मतलब होता है एम्बेड, किसी सिस्टम में रह के वो काम करते हैं, और वो किसी अन्य कामों को नहीं, किसी पूर्व निर्धारित कार्यों में ही उपयोग हो सकते हैं, और फिर इनमें अलग से किसी कार्य को जोड़ा नहीं जा सकता है। अब जैसे इन्होंने कहा माइक्रोवेव ओवन, जब हम लोग बटन दबाते हैं माइक्रोवेव ओवन का, तो वो किस चीज इनपुट की गई या रखी गई चीज़ों को ओवन कर देती है। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जैसे ड्राई करना है और किस लेवल पे कौन से टाइप के कपड़े हैं, कितना क्या है, किस टाइमर, कितने टाइमर पे धोने हैं, कब अलार्म बजाना है, तो ये सारे सिस्टम भी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। कार मैनेजमेंट, आपने देखा होगा कार में जो लगा होता है इंटरफेस, गाने, चाहे वो गाने बजाने हो, चाहे वो ऑटोमेटिक लॉक हो, चाहे वो नेविगेशन हो, ये सारे सारे आते हैं आप में एम्बेडेड में। ट्रैफिक कंट्रोल, ये भी ऑटो फिक्स रहता है, ऑटोमेटिक वर्क करता रहता है। तो आपकी घड़ी में आपने देखा होगा स्मार्ट वॉच रहती है जो ट्रैक करती रहती है, वो सारे, ये सारे एम्बेडेड सिस्टम के छोटे से उदाहरण। वहीं अब आता है डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड माने होता है बटा हुआ, दूर दूर फैले हुए। अब इसमें दूर दूर फैले हुए कैसे, देखते हैं। ये कई सारे प्रोसेसरों का उपयोग कर विभिन्न एप्लीकेशन को चलाते हैं। ये कई सारे प्रोसेस, मतलब बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं और बहुत सारे एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। इन एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयरों का उपयोग भी कई सारे यूज़र करते हैं। ये आपने देखा होगा, जैसे भारत में, या इन ओवर भारत में का ही एग्जाम्पल लें, बहुत सारे ATMs होते हैं,
और उन एटीएम्स में भी क्या है, कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स होते हैं और उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है, और वो आपके द्वारा कार्ड डालने पर कहीं ना कहीं आपको पैसे प्रदान करता है। तो अगर हम लोग ये एक अनुमान लगाएं कि पूरे भारत में 1 सेकेंड में कितने लोग उस कार्ड को लगा रहे होंगे, और कार्ड को लगाने के बाद पासवर्ड डालने के बाद पासवर्ड मैच होता है और आपको पैसे मिल रहा होगा विदिन सेकेंड, तो ये सारी चीज़ें कुछ ही सेकेंड में हो रही हैं, और इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? ये कंट्रोल करने वाले डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो जगह जगह या ग्रुप ग्रुप के अनुसार बटे बटे होते हैं, और वो फिक्स अमाउंट कुछ निश्चित संख्या के एटीएम्स को या कुछ निश्चित संख्या के कंप्यूटर्स को कंट्रोल करते हैं। इन्हें लूजली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इसका लाभ यह है कि यूजर को बहुत सारे रिसोर्स उपयोग करने हेतु मिल जाते हैं, एवं अगर एक सिस्टम बिगड़ भी जाता है तो अन्य सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक एटीएम खराब हो जाए तो हम किसी और से पैसे निकाल ही नहीं सकते। नहीं, अगर मेन सर्वर या मेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम सही है तो हम किसी भी एटीएम में जाके अपने पैसे निकाल सकते हैं। तो मैं ये केवल एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ एटीएम का, क्योंकि हम लोग उससे ज़्यादा अवेयर हैं। तो अभी के लिए इतना ही।